एंड वेलकम बैक दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अकाउंट को किस प्रकार से बंद करा सकते हैं अगर आप इस योजना के पात्र नहीं है या फिर आपको यहाँ पर कोई समस्या आ रही है। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको आना है इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो देख पाएंगे यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे नीचे देखिए कि PM-SYM के खाते को जो बंद कराया जा रहा है वो कैसे करा सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो फ्रेंड, उसे जानने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड, जो इसका सीधा जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम ओपन कर लेते हैं। और फ्रेंड, जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है पूरा आपको बताया गया है। फ्रेंड, ये श्रम योगी मानधन योजना है जिसमें आपको 3,000 रुपये महीने मिलने का प्रावधान है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है क्या करना होता है कि जो भी आपका पैसा है ये आपको मंथली जो है देना होता है, और ये 18 से 40 साल तक पैसा कटता है आपके बैंक खाते से। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो है 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये महीना मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि आपकी इनकम बढ़ जाती है और आप इसके पात्र नहीं रहते हैं, या फिर आपको कोई समस्या आ जाती है, आपके खाते में पैसे नहीं रहते हैं, या और कोई रीजन हो सकता है। सो फ्रेंड, किस प्रकार से आप इस योजना से निकल सकते हैं उसका पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे समझाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो प्रोसीजर है इस योजना से बाहर निकलने के। फ्रेंड्स, पहला जो प्रोसीजर है वो अभी हाल में चल रहा है, जो कि है आपका LIC ऑफिस से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो ये योजना है ये LIC से काम कर रही है, और LIC से ही यहाँ पे जो है इस योजना को चलाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा वो यहाँ पे LIC के माध्यम से होगा, यानी कि आप LIC के ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पे आपसे इसके लिए आवेदन कराया जाएगा। और जैसे आप वहाँ पे आवेदन कर देंगे तो फ्रेंड, इस योजना को आपसे खाते से बंद कर दिया जाएगा और आप इससे दूर हो सकेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आप यहां पे पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में खाता बंद कराने के लिए जो यहां पे पहला तरीका है वो है LIC ऑफिस के माध्यम से करा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे आप LIC ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको उस फॉर्म को भरना होगा, और फॉर्म को भरने के बाद आपको बताना होगा कि क्या आपकी सैलरी बढ़ गई है, आप इनकम टैक्स पे करने लगे हैं, क्या आपका रीजन है जिससे आप इस योजना से निकलना चाहते हैं, तो आपको बताना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके पात्र वो व्यक्ति नहीं है जिनके पास ज्यादा पैसा है और जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, और गलती से उन्होंने फॉर्म भर दिया या कुछ और रीजन रहा है तो वो इस योजना को छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, कई केस में ऐसा सुनने में आया है कि लोगों के खाते से लगातार पैसे कट रहे हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, तो इसलिए भी वो जो है इससे नाराज हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसके लिए अपने नज़दीकी LIC ऑफिस में जाइए और वहाँ पे इसके बारे में बताइए, तो वहाँ से आप इस योजना से निकल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो है CSC कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। अब फ्रेंड्स, आप ये कहेंगे कि CSC में तो अभी ये सेवा है ही नहीं, फिर ये CSC से बंद कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अभी हाल में ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सर्विस को स्टार्ट किया गया है, और ये सर्विस काफी अच्छी है, जिसके लिए अभी हाल में इसे रजिस्ट्रेशन के लिए ही प्रोसेस वहां पे शुरू किया गया है, और वहां पे हजारों की तादाद में जो है रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही यहाँ पे सारी प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद फ्रेंड्स इस नए स्टेप को लिया जाएगा और वहाँ पे एक और लिंक लगाया जाएगा, जिससे कि आप अपने जो है इस प्रधानमंत्री श्रमयोगी योजना के खाते से बाहर निकल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी निकलना चाहते हैं तो आप LIC ऑफिस का सहारा लीजिए, और अगर आप कुछ टाइम का वेट करना चाहते हैं तो जल्दी इस सेवा को जो है CSC कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लाइव कर दिया जाएगा, तो वहां से भी आप जो है इस योजना से बाहर निकल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक करें, साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।